सर क्या इवेंट है ये, कितने दिन चलेगा, कब से स्टार्ट होगा और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी देखो, ये वेस्टर्न में से आती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शो करवा रहे हैं जी, और ये विद इन डेज में इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ऑल जम्मू के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमारे जे एंड के में बहुत सारा टैलेंट है जो बच्चों को मौका नहीं मिलता, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, डीज प्रोडक्शन हाउस, तो हम एक बच्चों को मौका देना चाहते हैं कि नहीं, हमारे जे एंड के में बहुत सारा टैलेंट है, बच्चे आगे जाएँ, काम करें। तो हम पीछे जो देख पा रहे हैं मिस्टर एंड मिस रियासी और एक दूसरा जो बैनर है मिस्टर एंड मिस लीटर रियासी, क्या है, क्या दो इवेंट करवाए जाएंगे और सेम टाइम पे ये दो इवेंट चलेंगे या अलग अलग समय पे ये होंगे? नहीं, ये दो इवेंट है, साथ में किए जाएंगे। देखो, हम जब बड़े बच्चों को देंगे तो छोटे बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमें मौका नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों में भी बहुत सारा टैलेंट है, वो लोग भी अपना टैलेंट दिखाएं। और बहुत सारे ऐसे वो रहते हैं कि करेक्टर चाहिए रहते हैं, छोटे बच्चों को भी करेक्टर चाहिए रहते हैं मूवीज़ में, सीरियल में आजकल, तो इनका क्या है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम, वो आगे इससे जा सकते हैं, बॉम्बे तक हम भेज सकते हैं बच्चों को, जो जिस हिसाब से जिसका करेक्टर बैठेगा उसके हिसाब से उस बच्चे को काम मिलेगा। हम हमारा खुद का आगे वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे लेवल पर एक शॉर्ट मूवी शुरू कर रहे हैं, वो ऐसी मूवी, ऐसा कंसेप्ट है, वो जनरेशन वन को भी पसंद आएगा, जनरेशन टू को भी पसंद आएगा, जनरेशन थ्री को भी पसंद आएगा, ऐसा कंसेप्ट है वो भी। हम बहुत जल्दी उसके भी ऑडिशन लेने वाले हैं, बट उससे पहले हम मिस्टर एंड मिस रियासी करवा रहे हैं, और मिस्टर एंड मिस लिटल रियासी, वो जो बड़े वालों का है कि 17 to 27, जो लिटल का है वो 3 to 16। सर क्या होगा इसमें, क्या मॉडलिंग की जाएगी और किस तरह से आपसे संपर्क किया जा सकता है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? ओके, देखो ये हमारा पूरा अपडेट रहेगा, हमारे नंबर्स रहेंगे, फॉर्म्स रहेंगे, आप कॉल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद हम ऐसा करेंगे, पहले ऑडिशंस लेंगे बच्चे के, देखेंगे कि जो बच्चा है, मतलब जिसमें कुछ बात है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा एक वर्कशॉप रहेगा 3 to 4 days का, हम उसको पूरा ग्रूमिंग करेंगे, पूरा सिखाएंगे कि मॉडलिंग क्या होती है, वे टू टॉक, वे टू वॉक, हर एवरीथिंग सिखाएंगे उसमें, और उसके बाद हम फाइनल शो करेंगे, और उसके बाद जो भी अच्छा डिजर्व करेगा उसको टाइटल मिल जाएगा। जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी मॉडलिंग की या किसी और जो भी ये इस तरह के फील्ड होते हैं, तो क्या उनको वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इसके लिए मिनिमम कुछ लेवल तक इन्फॉर्मेशन चाहिए या टैलेंट चाहिए बच्चे में? नहीं नहीं, जिसको कुछ भी पता नहीं है वो भी कर सकता है। देखो हमारा क्या है, जब ऑडिशंस होगा, ऑडिशन में देखेंगे बच्चे का कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, हमें लगेगा कि इस बच्चे में कुछ तो बात है, इसको मौका मिलना चाहिए, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और शो होने से पहले मैंने कहा ना, हम वर्कशॉप करने वाले हैं, ऐसे डायरेक्ट शो में नहीं वो उनको लेके जाएंगे खाने, पहले हम उनको वर्कशॉप देंगे, पूरा ग्रूमिंग करेंगे, हर चीज़ सिखाएंगे उसमें, कैसे वॉक करना है, कैसे ड्रेसेस पहनी है, क्या खाना चाहिए, क्या कब उठना चाहिए, अपने हेयर को कैसे रखना चाहिए, हर एवरीथिंग। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। कहाँ ये कंपटीशन करवाया जाएगा, कितने दिनों तक चलेगा और क्या जिले के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, या फिर जम्मू पूरे प्रोविंस से या जम्मू कश्मीर से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जो भी पार्टिसिपेंट है? देखो ये अभी विद इन 2 or 3 days में सब वेन्यू हर चीज़ हम बता देंगे, कहाँ पे होगा, ऑडिशन डेट क्या रहेगी, फॉर्म कितने दिन ओपन रहेगा, और तो उसके बाद ये ऑल जे एंड के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी के, नहीं, ऑल जे एंड के बच्चे जो भी करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, आइए आप रजिस्टर करो अपना फॉर्म और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी इसका विनर होगा, ये कंपटीशन है, जो भी विनर होगा, जो मिस्टर एंड मिस रियासी बनेगा, तो उसे क्या प्लेटफॉर्म आप मुहैया करवाएंगे? देखो फर्स्टली जो टाइटल विनर होगा उसको एक मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा, प्राइस रहेगा, सिर्फ टाइटल विनर को, फर्स्ट रनर ओवर सही सेकंड रनर को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको ट्रॉफी मिलेगा। और उसके बाद हम खुद का, मैं कह रहा हूँ कि हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, खुद का काम कर रहे हैं हम लोग, हमारा आगे वेब सीरीज़ है, कवर सॉन्ग है, खुद का शॉर्ट मूवी है, तो उसमें जहाँ पे उसका कैरेक्टर बैठेगा हम उसको वहाँ पे काम देंगे। आप इससे पहले क्या क्या काम कर चुके हैं इस इंडस्ट्री में? मैं 4 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, मैं 2015 से मॉडलिंग शुरू किया हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद मैंने आस्था आस्था काम किया, मैं एक बहुत अच्छे सर के साथ काम सीखा हूँ, उनको 25 साल हो गए बॉलीवुड में,
और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे लेवल के शोज़ किए हुए हैं, आप पूना टाइम्स पे देख सकते हैं, मिस्टर इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वो मेरा फोटो है। लास्ट टाइम अभी मैंने मिलन सोमन के साथ काम किया हुआ है मैगजीन में, और सलमान खान के नेफ्यू के साथ, आलिम खान के साथ शो किया हुआ मैंने, बहुत सारे अच्छे लेवल पे शोज़ किए हुए हैं मैंने, और मुझे ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं इस काम को एज ए मॉडल। तो टाइटल आपने रखा है मिस्टर एंड मिस रियासी, और आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो टाइटल और फिर वो तो अलग हो जाएंगे ना? नहीं, जेएनके के बच्चे कह रहे हैं ना, आल जम्मू के बच्चे, सिर्फ जेएनके के, जेएनके के बच्चे कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, जम्मू से उठ के मिस्टर रियासी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन सर, ये हमने देखा है कि इस तरह के कंपटीशन जब भी, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि काफ़ी कुछ बोल दिया जाता है कि विनर को ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि वैसा कुछ भी नहीं किया जाता, तो क्या यहाँ भी वैसा नहीं होगा? नहीं देखो, बहुत सारा, आज आप बॉम्बे दिल्ली चले जाओ तो बहुत सारा फ्रॉड है वहाँ पे, कि कहते हैं कि नहीं आप इतना पे करो, हम आपको मूवी में काम देंगे, वो करेंगे, बहुत सारा फ्रॉड है, आपकी बिल्कुल सही बात है, बट हमारे जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों को, मैं बहुत खुद इंटरेस्टेड हूँ कि हम फसली की, मैं चाहता हूँ हमारा रियासी के बच्चे आगे जाएँ, और मैंने जितना भी बोला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, कुछ भी फेक नहीं है उसमें, तो जितना मैंने बोला है वो हर चीज़ सही है, कि टाइटल विनर को मिनिमम अमाउंट मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद जो बंदा जो डिजर्व करेगा करेक्टर के हिसाब से देखेंगे, उसको वहाँ पे काम भी मिलेगा, हर बच्चे को काम मिलेगा। जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा इस कंपटीशन को? हाँ, इसमें दिया जाएगा। अजय सर, पहली बार रियासी में ये इवेंट करवाया जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी रियासी के लिए? सबसे पहले तो मैं डीएस प्रोडक्शन हाउस के जो अपने दर्शन जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो ये रियासी के लिए स्टेप्स उठाए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्टेप्स है, क्योंकि जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं, हमारे रियासी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो भी अपने आप को पार्टिसिपेट करें और अपने हुनर को जहाँ पर निखारें। अगर कोई किसी को कम हुनर है तो वो डीएस प्रोडक्शन में आके अपने आप को निखार सकता है, और आगे स्टेट, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन होगा, फिर स्टेट लेवल का होगा, फिर नेशनल लेवल का होगा, फिर वो आगे इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है, वो उसकी अपने ऊपर डिपेंड है कि वो कितना हार्ड वर्क करता है और इस काम में कितना अपने आप को झोंकता है। और मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा स्टेप्स है हमारे रियासी के बच्चों के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टडी के साथ आपको इंटरटेनमेंट प्लस अपने आप को एक्सपोज करना है कि कोई क्रिकेटर बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई मॉडल बनता है, तो उन सब बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो डीएस प्रोडक्शन हाउस में आके अपने आप को ज्वाइन करें और अपने हुनर को निखारें, तो मेरी यही शुभकामनाएं। ये बात सही है कि टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन टैलेंट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं जा सकते, तो क्या उन बच्चों के लिए ये रास्ता खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि आज सोशल का जमाना है, सोशल मीडिया के थ्रू आप आज अगर आप रियासी में कोई अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो आपको पूरी दुनिया देख रही है। तो पहले तो होता था कि किसी के पास पैसे होते थे, वो जहाँ जिसकी बात भी थी या जिसके रिश्तेदार थे, वही अपने आप को डेवलप करते थे। आज ऐसा सिस्टम नहीं है, आज हर एक बच्चा अपने आप को डेवलप कर सकता है आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो अभी ये रिसेंटली जो स्टार्ट कर रहे हैं डीएस प्रोडक्शन हाउस रियासी में, तो मेरी शुभकामनाएं इन टीम के साथ, सभी के साथ। इसके पहले कभी आपने रियासी में इस तरह का प्लेटफॉर्म देखा, कभी इस तरह का इवेंट होते? नहीं, ऐसा मैंने मेरे पहले हुआ हो, बट मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सी कर रहा हूँ। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप्स है, क्योंकि बच्चे अपने आप उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे दे रहे हैं, तो वो डीएस प्रोडक्शन में आके अपने आप को निखार सकते हैं, वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। ये एक ऐसा रैंप है कि आप अपने आप को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले सकते हो। आप किस रूप में इनके साथ जुड़े हैं, डीएस प्रोडक्शन के साथ? मैं एज ए मेकअप डिज़ाइनर, जो भी लिटिल चैंप जो हमारा शो होगा उन बच्चों को मेकअप दूंगा, प्लस जो 70-27 ईयर्स मिस्टर एंड मिस होंगे उनको मेकअप दूंगा, तो मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट उनके साथ काम करूंगा।
और फ्री ऑफ कॉस्ट पर। तो कुलदीप जी, आपकी तरफ से क्या डीएस प्रोडक्शन को योगदान रहेगा? सबसे पहले मैं रियासी के जो भी मीडिया बंधु आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस डीएस प्रोडक्शन को प्रमोट किया। हमारा जो हमारे ब्रदर ही हैं जिन्होंने यह प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा और उन्होंने कहा कि मिस रियासी हम लोग करवा रहे, तो उसके बीच हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। और हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा कल्चर डोगरी है, तो डोगरी के अंदर हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो और उस लोग किसी को प्रमोट करें। तो जब मैंने लोगों के सामने रखा कि हम लोग डोगरी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है और इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस बार रियासी के अंदर जो मिस्टर मिस रियासी हो तो उसके अंदर डोगरी कल्चर को नए तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से आप लोगों का सहयोग और साथ मिल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि आगे भी मिलता रहे और हम इस काम के आगे बढ़ चढ़ कर जो भी बंधु साथी देख रहे हैं तो इसमें भाग लें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म रियासी के लिए रियासी का नाम प्रमोट करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। सभी बंधु तहे दिल से धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो नारायण जी, आपकी तरफ से भी क्या योगदान रहेगा डीएस प्रोडक्शन की? हमारी तरफ से योगदान दे रहा है कि उनको कहीं भी किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो हम तहे दिल से इनके साथ रहेंगे और बच्चों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताएंगे कि ये इस बाग में हिस्सा लीजिए और अपना जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है वो दिखा सकते हैं और कहीं स्टेट लेवल से भी बाहर दूर तक जा सकते हैं इस कंपटीशन में जो हिस्सा लेगा। तो जी शुक्रिया। दर्शन सर, कोई नंबर रिलीज करना चाहेंगे ताकि जो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है, इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, वो आपसे संपर्क कर सके? जी जी, जरूर जरूर। मेरा नंबर है 8899253705 और दूसरा नंबर है मेरा 7006922322। एक बार फिर दोनों जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या नाम हैं इनके और कौन कौन किस उम्र के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी देखो, हमारे पास दो इवेंट करवा रहे हैं। फर्स्टली है मिस्टर एंड मिस रियासी, उनका एज है 16 to 27। दूसरा मिस्टर एंड मिस लिटल रियासी, उनका एज है 3 to 16। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसे मतलब बच्चों को अदर कल्चर कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई ऐसा हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि बच्चों को मौका देना चाहिए हर चीज़ में, जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतनी अदर थिंग्स भी हैं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ अच्छी चार चीज़ें सीखेगा बच्चा आपका। ऐसा कोई भी कि ऐसा है, कोई नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सब पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैंने खुद 4 साल हो गए काम करते हुए, मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुका, मैंने पहले भी बताया। और मेरे पास बॉम्बे में जितने भी ऑडिशंस होते हैं अच्छे लेवल के, कोई फेक ऑडिशन नहीं, सबकी अपडेट रहती है, मुझे सबकी मेल आती है। मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अभी मैं खुद रिसेंटली बॉम्बे में रह रहा हूँ, मेरे साथ कास्टिंग डायरेक्टर रहते हैं, उन्होंने जो है मूवी किया हुआ सलमान खान का। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जब काम शुरू किया था तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे शोज़ किए, बट मैंने कहा नहीं यार, ऐसा क्यों ना कि हमारे बच्चों को मौका मिले। तो मैंने उस टाइम वो सोचा था कि नहीं, आज नहीं तो कल मैं रियासी में करवाऊंगा, मिस्टर मिस रियासी करवाऊंगा। मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ और फाइनली आज सब विजय वाले भैया ने सपोर्ट किया, बड़े भैया चाचू ने सपोर्ट किया, आप लोगों की सपोर्ट से आज हम मिस्टर मिस रियासी करवाने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा थैंक यू एवरीवन सपोर्ट करने के लिए। तो जिला प्रशासन से आप मिले थे, इस बारे में बताया है आपने? हाँ हाँ, जिला प्रशासन से मिले, हमारी बात हुई उनसे। क्या रिस्पांस है? उनसे परमिशन ली है, भाव रहता है सब कुछ मेरे, उन्होंने कहा ठीक है आप करवाओ, कोई भी दिक्कत होती है तो आप बोल सकते हो, तो हम हेल्प करेंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद।